लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे, यदि जो कन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है उसको यदि हम वाटर में इमर्स कर दें तो उसका पावर क्या होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, क्या कुछ चेंज आएगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया है जो इन्फिनिटी से आते हैं तो ये फोकस में मिल जाते हैं। तो दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, विच इज़ एक्चुअली द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। कॉमनली हम लोग एयर में लेते हैं। अभी यदि दिस सेम लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सपोज 1.5 से बना हुआ है तो, और इसका फोकल लेंथ आ रहा है एफ ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लेना है। तो उसका 1.5 बाय 1.3 करते हैं तो ये लेस देन 1.5 आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कम हो गया, तो इसका मतलब ये रेयरर मीडियम, इससे रेयरर मीडियम के जैसे काम करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये बेंडिंग दे रहा था यहाँ तक आके मिल रहे थे, अभी ये बेंडिंग कम हो जाएगा। ये यहाँ पर आ रहे थे ना, इधर में आ रहे थे, अभी ये बेंडिंग कम हो जाएगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से ये बेंडिंग, दैट इज रिफ्रैक्शन विल बी लेस हियर। तो अभी रिफ्रैक्शन इतना हो रहा था, अभी लेस होगा तो ये यहाँ जाके मिलेंगे। तो अभी ये फोकस यहाँ पर आ गया, तो पहले फोकस इन एयर, फोकस इन वाटर, तो देखिए तो यहाँ पर फोकस हो रहे हैं। तो क्लियरली हम देख पाते हैं कि इसका फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस, है ना। तो इसलिए फोकल लेंथ इन वाटर इज मोर देन फोकल लेंथ इन एयर, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और क्योंकि पावर पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ 1/f हम लेते हैं, तो इसलिए इसका पावर कम हो गया। तो पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो सेम केस हम कंकेव लेंस के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं।